अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती या मैं कोई मिस्टेक होती तो प्लीज़ बताएं ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में नया टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक 1.1.1, जिसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दिमाग। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन एक हमारी हड्डियों में पाया जाने वाला एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हम अब देखते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो चीज़ें कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। हमारा जो ब्रेन है उसके हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, सेकंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। अब हम एक एक करके इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे शुरू वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा है। अगर हम अपनी विजुअलाइजेशन में देखें, ये हमारा फोर ब्रेन होगा, ये हमारा मिड ब्रेन होगा और ये हमारा हाइंड ब्रेन होगा। जो हमारे पास हमारा फोर ब्रेन है उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ सेरिब्रम, सेकेंड पार्ट इज़ थैलेमस एंड थर्ड वन पार्ट इज हाइपोथैलेमस। अब हम बारी बारी देखते हैं कि हमारे पास ये जो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। जो हमारा सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम, क्योंकि हमें पता चल गया कि सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए हम इसको फर्दर इसकी पूरी बॉडी को, यानी कि सेरिब्रम के पूरे हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके फंक्शन क्या होता है। अगर हम बुक में देखें, वो कहता है इट कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स महसूस करना, यानी कि हम लोग को महसूस होता है गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख लग रही है, वो सब किसके अंडर आती हैं? सेरिब्रम के अंडर आती हैं। उसके बाद इमोशंस, खुशी, गम, ये सब जो है सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सीइंग, देखना, हियरिंग, सुनना, प्रिसेप्शन, मतलब कि हमारा रवैया कैसा होता है किसी भी चीज़ के बारे में, अच्छा ये ऐसे हुआ है तो ये ऐसे हुआ होगा, किसी भी चीज़ के बारे में हमारा सोचना, हमारा रद्द अमल क्या होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी, वो भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। स्पीच, सोचना और डिसीजन मेकिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में फैसला करना, वो भी हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद सेरिब्रम के नीचे ही हमारे पास एक कोर पार्ट ऑफ ब्रेन आता है, उसको हम कहते हैं थैलेमस। जो हमारे पास होता है थैलेमस, उसका एक ही फंक्शन है कि ये हमारी बहुत सी सेंसरी चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी कि सेंसरी में हमारे पास, सेंसरी जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब है कि सेंसेस, वो हमारी सेंसेस से कनेक्टेड है। सेंसेस हमारे पास 5 होती हैं, हमारी विजन, हमारी हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्ट एंड टच, ये सब होती है हमारी सेंसरी। जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन 5 चीज़ों से हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो कलेक्ट होकर कहाँ पे जाएगी? हमारे थैलेमस पे।
अगर हम लिखें तो क्या कहता है कि हमारी सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी सेंसेस से आती है वो कहाँ पर जाती है, थैलेमस पे जाती है। थैलेमस के नीचे ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, या हम कह सकते हैं इट इज़ द बॉडी ऑफ थैलेमस। जैसे कि ये हमारा हेड है तो उसकी बॉडी उसके नीचे होगी, इसी तरह थैलेमस की बॉडी उसके नीचे होगी, हाइपोथैलेमस जिसको हम कहेंगे, यानी कि क्या है, बॉडी ऑफ थैलेमस। बॉडी ऑफ थैलेमस को हम क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन ये है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, हमारी थर्स्ट को कंट्रोल करेगा, और हमारी हंगर यानी कि हमारी भूख, प्यास और टेम्परेचर, इन तीनों के बारे में हम लोग इन्हें यहाँ इन्होंने लिखा है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, हम जानते हैं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है उस कंडीशन में हमें हो जाता है फीवर, जिसे हम कहते हैं बुखार, और अगर वो बुखार और भी ज़्यादा हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। और इसके अलावा अगर हमारा टेम्परेचर इस 37 से कम हो जाए तब भी, जैसे कि अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को जाके फ्रिज में रख दें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इतना कम हो जाएगा कि अल्टीमेटली हमारी हो जाएगी डेथ। यानी कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेशक ज़्यादा हो या कम हो, हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता ना तो अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। इस तरह से हमारा फोरब्रेन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हमारे ब्रेन का सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मीन्स के वो मिड में प्रेजेंट होगा, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, जैसे कि हम लोगों ने इंटर न्यूरॉन्स के केस में पढ़ा था कि वो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं और दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसी तरह मिड ब्रेन क्या करता है, वो हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन डिवेलप करता है, एक कनेक्शन डिवेलप करता है किसके बीच में, हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन डिवेलप करता है, उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। यानी कि वो फोर ब्रेन से मैसेज रिसीव करता है और हाइंड ब्रेन की तरफ लेके जाता है, या अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे हाइंड ब्रेन में आती है तो उस इंफॉर्मेशन को वो फोर ब्रेन की तरफ लेके जाता है। उसके बाद हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन आता है जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन, यानी कि सबसे पिछला वाला हिस्सा। अब हमारे पास जो हमारे हाइंड ब्रेन है उसके भी फर्दर थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज सेरिबेलम, इस पर आपने बहुत ध्यान देना है। फोर ब्रेन में हमारे पास था सेरिब्रम और हाइंड ब्रेन में हमारे पास है सेरिबेलम। सेकंड पार्ट है पॉन्स और लास्ट पार्ट है मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये तीनों पार्ट्स मिलते हैं और हमारे पास हमारा हाइंड ब्रेन बनता है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा सेरिबेलम। जो हमारे पास हमारा सेरिबेलम है ये डार्केस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन है, यानी कि जहाँ भी प्रेजेंट होता है सबसे डार्केस्ट एरिया होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, बैलेंस करता है। अब ये बैलेंसिंग कैसे करता है, बैलेंसिंग के लिए फंक्शन मैं लिख देती हूँ, बैलेंसिंग। बैलेंस का क्या मतलब है, कंसीडर करें आप लोग किसी भी झूले में हैं जो गोल गोल घूम रहा है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो
बॉडी है वो इम्बैलेंस ही हो जाती है. उस इम्बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेरिबेलम. मतलब कि अगर बाद में थोड़े टाइम के बाद हमारी बॉडी बैलेंस हो भी जाती है तो वो किसकी वजह से होती है? सेरिबेलम. इसका मतलब है कि अगर हम सीधा चल रहे हैं तो हमारी बैलेंस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम. इसी तरह जो बर्ड्स हैं वो हवा में इसीलिए ही प्रॉपरली जा पाते हैं क्योंकि उनका सेरिबेलम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. उसके बाद हमारे पास हाइंड ब्रेन का सेकेंड पोर्शन आ जाता है जो कि है पॉन्स. ये एक ओवल शेप, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये एक ओवल शेप मूवमेंट ऑर्गन होता है. और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्वेलोइंग और टेस्ट, मतलब कि जब हम खाना खाते हैं उसको स्वेलो करते हैं और बाद में उसका जो टेस्ट आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा पॉन्स. उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा. ये हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है, हमारे ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है. ये पॉइंट एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और लास्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, वो कौन है? मेड्यूला ओब्लोंगेटा. ये क्या करता है? इसके बाद जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कर हो जाती है. ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. इसका क्या फंक्शन है कि ये हेल्प करता है डाइजेशन में, मतलब कि जो हमारा निज़ाम इन्हज़ाम है यानी कि हज़म करने वाला निज़ाम, उसमें हेल्प करता है. हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है और इसके अलावा हमारी ब्रीथिंग यानी कि हमें सांस लेने में जो, मतलब कि अगर हमें सांस सही तरह से नहीं आ रहा तो वो सारे मैसेज हमारे पास हमारे मेड्यूला ओब्लोंगेटा की तरफ जाएंगे. अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हमें पता चलेगा हमारा कौन सा पार्ट ब्रेन के किस हिस्से में मौजूद है. सबसे पहले इसकी ड्राइंग में जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे इसकी बेसिक एनाटॉमी कि बेसिकली नज़र किस तरह, इस तरह का होता है. उसके बाद हम ऐसे करके ये ड्रॉ करेंगे. इस चीज़ के बाद बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद जो कि हम लोगों ने कहा था एक डार्किश सा एरिया होता है जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, वो ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरह का होगा. उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप्ड चीज़ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. और अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं कि ये क्या है और कैसे है. ये जो सबसे बड़ा पार्ट है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम, जो कि हमने पहले भी पढ़ा विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. इसको हम लोग हाफ में, टू हाफ में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ फोरब्रेन आ जाता है यानी कि थैलेमस. और थैलेमस के नीचे यानी कि थैलेमस की बॉडी होती है हाइपोथैलेमस. और ये इन तीनों ने हमारा क्या कंप्लीट किया? फोरब्रेन. उसके बाद हमारे पास इसके इन इस फोर ब्रेन के फौरन बाद एक सेंट्रल में पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं हमारा है मिड ब्रेन. इनके फंक्शंस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. और लास्ट में हमारे पास आता है हमारा हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा सेरिबेलम. उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा पॉन्स. और लास्ट में हमने पढ़ा था मेड्यूला ओब्लोंगेटा. और इन तीनों पार्ट से मिलकर हमारे पास क्या बनाया था? हाइंड ब्रेन. इन पॉन्स को देखें, हमने पढ़ा था कि पॉन्स होते हैं ओवल शेप्ड हैं. तो देखें इनकी शेप से हम लोग को पता चल रहा है कि पॉन्स किस तरह से ओवल शेप्ड हैं. यहाँ तक हमारे पास हमारा ब्रेन ख़त्म हो गया. उसके बाद हमारे पास हमारे
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्व्स पे कंसिस्ट करता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस पकड़ेगा और उसको लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाएगा टूअर्ड्स दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारी कोई भी मूवमेंट होती है, हम अपना हाथ हिलाते हैं, अपने टांग पांव हिलाते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, वो सब जो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं